कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे जो है मेरे सिग्नेचर जो होते हैं उसका जो साइज है 50 के भी मतलब 50 के भी मांग देता है। इसी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने का होता है तो वहाँ पे 250 से 300 के भी में हमें मांगता है कि भैया आपको 250 से 300 के भी में अपलोड करना है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो जो है 800-900 के भी या MB में होता है। तो इस स्थिति में हम सोचते हैं कि भैया हम कैसे इसको कम करेंगे। अगर इस सिचुएशन में अगर आप शॉप वाले के पास जाते हैं या दुकान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको 30 रुपये से 50 रुपये चार्ज कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट को कम करने का। तो मैं आपको ऐसे ही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे बहुत ही आसानी से आपका डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उस डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है 800-900 के बी में है तो उसको आप कैसे 250-300 के बी में कैसे करेंगे। अगर आपका सिग्नेचर का साइज 400-500 में है तो उसको आप अगर 50 के बी में मांगता है आपका सिग्नेचर तो उसको आप 50 के बी में कैसे करके देंगे। तो मैं आपको ऐसे ही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ये करके बहुत ही आसानी से आप ये दे सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि कौन सा वो एप्लीकेशन है जिससे हम अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर है जिसका साइज बड़ा है उसको हम कैसे कम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से क्यू रिड्यूस लाइट को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। अब जैसे कि आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट हो जैसे या सिग्नेचर हो उसका आप कैसे साइज कम करेंगे। तो चलिए हम पहले दिखा देते हैं कि मेरा जो सिग्नेचर है या जो फोटो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका कितना साइज है। इसके लिए हम बैक चलते हैं, गैलरी में चलते हैं। गैलरी में आने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि मेरा सिग्नेचर है, मोर पे जाऊँगा, डिटेल पे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए कि 1.19 MB में। इसी तरीके से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए कि पिक है, पिक वाले पर मैं क्लिक करूँगा या मोर पर जाऊँगा और मोर पर जाने के बाद डिटेल पर जाऊँगा। यहाँ पर देखिए 3.93 MB में। इसका मैं आपको 250 से 300 आपको KB में करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से ये वाला पिक है, ये वाला पिक पे ओके कीजिएगा, मोर पे जाइएगा, डिटेल्स में जाइएगा और यहाँ पर देखिए कि 2.89 KB में। इसको मैं 250 से 250 KB में करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आपको कोई जैसे यहाँ पे हो गया आपका पैन कार्ड हो गया, इसी तरीके से आपका आधार कार्ड हो गया तो इसका आप साइज कैसे कम करेंगे। तो मैं आपको वही क्यू रिड्यूस लाइट से मैं आपको कम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्यू रिड्यूस लाइट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है चूज फोटो का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप रख रखे हैं उसको आपको ओपन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर रख रखा हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ सिग्नेचर वाले को मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर देखिए 1215 KB में है। इसको हमको करना है 50 KB में, सिंपल 50 KB में करना है। तो इसी तरीके से आप जितना भी साइज कम करना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से आप साइज कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको 50 KB में कर लेता हूँ। यहाँ से आपको जो है KB MB में चूज कर सकते हैं। यहाँ KB हो जाता है, यहाँ MB हो जाता है तो आप इसमें चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ सिंपली जो है 50 KB चूज कर लेता हूँ। यहाँ स्टेट वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर है उसको कंप्रेस करके यहाँ आपको 50 KB में कर दिया। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो आपका ये गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके लिए मैं बैक चलता हूँ और गैलरी में आप इसको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं बैक आऊँगा, आपको नीचे से इसको आपको चेक कर लेना है क्योंकि ये जो आपको फाइल रहता है गैलरी में तो वो नीचे से ही आपको जो है वो सेव होके आता है। तो सिंपली मैं नीचे से चलूँगा। इस तरीके से आपको चेक करते जाना कि कहाँ पर आपका सेव होके आया है। तो यहाँ पर देखिए न्यू और यहाँ पर आप देखिए क्यू रिड्यूस लाइट है तो इसको आप ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है और मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊँगा तो कि कितना KB का है। इसके लिए मैं यहाँ पर जो मोर वाले पर जाऊँगा, डिटेल वाले पर जाऊँगा और यहाँ पर देखिए कि आपका 50 KB में हो चुका है और इसका जो है क्वालिटी भी आपका ख़राब नहीं हुआ। और इसी तरीके से आप जो है सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और उसका जो क्वालिटी भी लॉस नहीं होगा। चलिए मैं आपको फ़ोटो को जो है
केबी में करके दिखाता हूँ। तो इसके चूज वाले हल पर ओके करूँगा और यहाँ मैं जाऊँगा फाइल में। फाइल वाले पर जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा फोटो वाले पे, और यहाँ पर देखिए कि 289 केबी में है। तो यहाँ पर मैं सिंपली 200 कर देता हूँ सिंपली केबी, और यहाँ पर मैं स्टार्ट वाले पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए 133 केबी में हो चुका है। सेव वाले पर मैं कि सेव कर लूँगा, सेव करके और सिंपली मैं सिंपली सेव हो चुका है। इसके लिए मैं गैलरी में चलूँगा। गैलरी में जाने के बाद भाई फिर नीचे से मैं चेक करते चलूँगा कि मेरा कहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फिर आ चुका है यहाँ पे की रिड्यूस लाइट पे। मैं इसको ओके करने के बाद सिंपली मैं पिक वाले पे जाऊँगा, मोर वाले पे जाऊँगा, यहाँ पे डिटेल्स पे जाऊँगा। यहाँ पर देखिए कि 133 केबी में हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है कोई भी फोटो है या सिग्नेचर है या कोई फाइल है उसको आप साज बहुत ही आसानी से जितना चाहे मनपसंद आप कम कर सकते हैं, उसका क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ। चूज वाले पे जाऊँगा, जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ फाइल वाले पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इस बार जो है यहाँ पे ये वाला चूज कर लेता हूँ फोटो का। यहाँ पर देखिए कि 4022 केबी का है और यहाँ पर 3.93 MB में। तो इसको मैं अब कर लेता हूँ सिंपली 300 केबी में, ठीक है। कि क्योंकि कभी कभी होता है कि फ़ोटो 300 केबी भी मांग देता है, तो आप 300 केबी कर लीजिए। स्टार्ट वाले पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जितना बड़ा फाइल होगा थोड़ा कुछ सेकंड का टाइम लेगा और ये जस्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 300 केबी में किया था, तो यहाँ पे देखिए 289.74 केबी में आ चुका है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो ये मेरा गैलरी में सेव हो जाएगा। सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ, गैलरी को मैं ओपन कर लेता हूँ। गैलरी में ओपन करने के बाद फिर नीचे से चेक करते चलेंगे कि मेरा कहाँ पर सेव होकर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेव होकर आ चुका है। मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ मोर वाले पर जाऊँगा, डिटेल्स पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद देखिए कि 289 केबी में हो चुका है। तो कभी कभी होता है कि हमें फ़ोटो या सिग्नेचर या कोई डॉक्यूमेंट जो है हमको मांगता है 50 KB, तो 50 KB से आपको कम में होना चाहिए। आपको 51 KB है तो वहाँ पे आपको अपलोड नहीं होगा। तो 50 KB से आप 49 से 48 से 47 वो अपलोड हो जाएगा, मगर 50 से ज़्यादा अपलोड आपको नहीं होगा अगर आपको कहीं मांग देता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखिए कि यह फ़ोटो है, मैं 300 में यहाँ पे मैं किया था, तो यहाँ पे 289 तो ये आपका अपलोड हो जाएगा, मगर आपका 301 रहेगा केबी में तो वो आपको अपलोड नहीं होगा। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर आप उसको बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं बहुत ही हद तक। चलिए मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको ऐप को ओपन करूँगा, चूज फाइल पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इस बार कर लेता हूँ यहाँ पर आधार कार्ड को यहाँ पर देखिए 149 है। चलिए मैं यहाँ 100 KB में कर लिया। स्टार्ट वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसको 149 KB है, तो इसको आपको साइज जो है कम करके आपको 100 KB में इसको कर दे। तो यहाँ पे देखिए 99.38 KB कर चुका है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा और यह मेरा जो है गैलरी में सेव हो चुका है। चलिए मैं बैक आता हूँ, गैलरी को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद नीचे से चेक करते चलूँगा कि मेरा जो ये सेव होके कहाँ पे आया हुआ। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेव होके आ चुका है। मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ मोर वाले पर जाऊँगा, यहाँ डिटेल्स वाले पर जाऊँगा और यहाँ पर देखिए कि 99 KB का ये हो चुका है। सो इस तरीके से जो है अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को आप बहुत ही आसानी से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप उसको साइज को कम कर सकते हैं और इसका क्वालिटी भी आपका ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिटी वहाँ पे है वही क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से गाइस बहुत ही आसानी से अपना सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता है वो 800-900 KB में होता है या MB में होता है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से उसको कम कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया वीडियो मैं आप सबके लिए पर डे लाता रहता हूँ।